ये एक रिमोट कंट्रोल स्विच है। इसका यूज करके आप आपके रूम के चार लाइट्स और एक फैन को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। ये ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का 5 चैनल रिमोट कंट्रोलर है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में बताया था कि आपको नए एक्सपेंसिव रिमोट कंट्रोल फैंस लेने की जरूरत नहीं है, आपके घर में जो भी एग्जिस्टिंग फैन है या लाइट है उसे आप रिमोट पर कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ इस स्विच का यूज करके। ये स्विच मार्केट में बहुत ही इजीली और सस्ते में मिल जाता है। इसकी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इसकी वायरिंग भी बहुत ही सिंपल है। इसे हम दो तरीकों से वायर कर सकते हैं, तो उसमें से एक तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस कंट्रोलर की खास बात यह है दोस्तों कि ये इनपुट 90 वोल्ट से 250 वोल्ट एसी पर चलता है। दैट मींस कि अगर वोल्टेज कम ज्यादा भी होता है तो भी इस कंट्रोलर पर कोई इफेक्ट नहीं गिरता। और लोड की बात करूं तो हर चैनल 300 वाट का लोड हैंडल कर सकता है। जैसा मैंने बताया था कि इसकी दो टाइप्स ऑफ वायरिंग है, तो फर्स्ट टाइप बहुत ही सिंपल है, लेकिन सेकेंड टाइप जो है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लेने की जरूरत लगेगी, क्योंकि उसके लिए हमें स्विच बोर्ड ओपन करना पड़ता है और स्विच बोर्ड के अंदर कौन सी वायर फेज है, कौन सी वायर न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रिशियन आपको बेटर समझा पाएगा। बट अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप खुद भी ये कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ जो यूजर मैनुअल आता है उसमें इसकी वायरिंग डायग्राम दी हुई है। इस कंट्रोलर को थोड़ा क्लोजली अगर हम देखें तो यहाँ पर ABS प्लास्टिक की बॉडी यूज की है और ये बहुत ही स्मॉल एंड लाइट वेट कंट्रोलर है। यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिल जाते हैं स्क्रू की हेल्प से इसे वॉल पर या स्विच बोर्ड के अंदर माउंट करने के लिए। यहाँ आपको एक बात नोट करनी है कि इसका जो रिसीवर पॉइंट है वो है एक TSOP रिसीवर। दैट मींस कि इसके साथ जो हमें रिमोट कंट्रोलर मिलता है वो सेम वैसा ही रिमोट कंट्रोल है जैसा टीवी के साथ या एसी के साथ मिलता है, जिसके आगे एक IR LED लगी हुई होती है। तो इसका रिसीवर आपको, अगर आप इसे स्विच बोर्ड के अंदर लगा रहे हो, स्विच बोर्ड के बाहर निकाल लेना है। ये RF रिमोट नहीं है। अगर RF होता तो पूरा यूनिट शायद आप स्विच बोर्ड के अंदर डाल सकते थे, लेकिन अभी भी पूरा यूनिट डाल सकते हो, बस वायर आपको रिसीवर की बाहर निकाल लेनी है। इस कंट्रोलर के ऊपर एक साइड में PNN लिखा है, दैट मींस दिस इज द इनपुट साइड फेज और न्यूट्रल, और सेकेंड साइड में है L1 L2 L3 L4, दैट मींस कि ये लाइट के स्विचेस हैं, और F means फैन। तो हो गए टोटल 5 बैक साइड एयर वेंटिलेशन के लिए होल्स दिए हैं। अभी अगर हम रिमोट की बात करें तो रिमोट भी बहुत ही स्टाइलिश है, ABS प्लास्टिक का है और लाइट वेट है। यहाँ पर आपको टोटल 8 स्विचेस मिलते हैं। सबसे पहला है ऑफ, जिसको प्रेस करने से इसके ऊपर कनेक्टेड जितने भी लाइट्स एंड फैन हैं वो एक ही साथ ऑफ हो जाएंगे। उसके नीचे का यूनिट है जहाँ पर L1, L2, L3, L4 दिया है, ये है लाइट बल्ब्स के ऑन एंड ऑफ स्विचेस, और उसके नीचे है फैन का। अब फैन, खाली फैन ऑन एंड ऑफ नहीं मिलता यहाँ पर आपको, इसके साथ इसका रेगुलेटर फंक्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप सेकेंड टाइप की वायरिंग करते हो, मतलब स्विच बोर्ड को खोल के इसकी वायरिंग करते हो, तो मेक श्योर कि वायरिंग करने के बाद आपका स्विच बोर्ड का जो रेगुलेटर है वो फुल स्पीड पर होना चाहिए, तभी जाके आप रिमोट से उसका स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइट का और फैन का प्रॉपर डायग्राम दिया है। तो रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसकी बैक साइड अगर हम देखें तो ये रिमोट कंट्रोलर चलता है 2 AAA बैटरीज पर। ये बैटरीज आपको अलग से खरीदनी पड़ेंगी और यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, बस और क्या चाहिए। आगे ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक की ब्रांडिंग दी हुई है। तो चलो अब मैं आपको इसकी Type 1 वायरिंग दिखा देता हूँ। बस आपको वायरिंग के समय एक ध्यान देना है, कोई भी वायर लाइव नहीं होनी चाहिए जिससे आपको शॉक लगने का खतरा हो। इसके ऊपर लाइट बल्ब्स कनेक्ट करके दिखा देता हूं। फैन तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता।
परफेक्ट फ्रेंड्स, तो ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का ये रिमोट कंट्रोल स्विच फॉर 4 लाइट्स एंड 1 फैन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। इसकी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये आप डायरेक्टली खरीद सकते हो और अब आपको बिल्कुल भी महंगे फैंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये कंट्रोलर लो और आपके रूम को ऑटोमेट करो, रूम की लाइट्स, रूम के फैंस को ऑटोमेट करो। और ऐसे ही ऑटोमेशन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए ऑटोमेशन डू चैनल को भी सब्सक्राइब करना।